नमक, हल्दी, धनिया, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, सरसों का तेल, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन, हाय दोस्तों, आज की रेसिपी तो आप समझ ही चुके होंगे। ये मटन की रेसिपी है जो हम बनाने वाले हैं और ये बहुत टेस्टी बनेगी। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए वीडियो को। जो मटन को हमने मैरिनेट किया था उसे हमने अभी कुकर में अच्छे से कुक किया। अब हम इसमें दही और टमाटर डालेंगे। चाहें तो दही को थोड़ा हंग कर भी कर सकते हैं ताकि दही थोड़ा घना हो, और जितना घना होगा आपका मटन उतना ज़्यादा क्रीमी बनेगा और टेस्टी बनेगा। अब मटन में हम डालने वाले हैं मिर्ची। ये मैंने साबुत लाल मिर्ची डाली है, आप चाहें तो आपके पसंद को तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये पानी मैंने अलग से गर्म कर लिया है ताकि मैं मटन में इस पानी को यूज़ कर सकूँ। मैं ठंडा पानी नहीं दूँगी, इससे मटन में कुक करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। मसाले के साथ मटन थोड़ा फ्राई फ्राई हो गया है, सूखा सूखा हो गया। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने अलग से पहले ही आलू और जीरा फ्राई करके रख लिया था, उसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसका कलर देखिए, कितना सुंदर कलर आया है और इसका स्मेल भी इतना अच्छा आया है ना, मैं तो क्या बताऊँ आपको। अब कुकर का मुँह हम बंद कर देंगे और इसे हम कुक करने देंगे और वेट करेंगे 4 से 5 सीटी के लिए। छठी सीटी के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए कुकर को रख दिया और फिर उसे खोल के देखा तो देखते हैं कैसा बना है। गो दोस्तों, अमेजिंग। इसकी खुशबू जो आ रही है ना दोस्तों, इसे आप रोटी या चावल जिसके साथ भी खा